हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार थर्ड ईयर में होंगे और थर्ड ईयर में जैसे ही वो अपना फाइनल एकदम सिक्स सेमेस्टर का पेपर देंगे वो जो है अब बीटेक करने की सोचेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीटेक करना चाहते हैं और बीटेक करने की सोचेंगे तो वो जो है क्या करेंगे बी करने के लिए ए का जो है अप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ए के का है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ए क्या है ए के टी यू जो है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और ये जो है कहाँ स्थित है ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है ए के टी यू ठीक है तो इसमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे इसका और इसमें जो है एडमिशन लेंगे लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि जो उन्होंने डिप्लोमा पास किया है जैसे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं तो कोई ऐसा जो है यूनिवर्सिटी हो जिसका सिलेबस क्या हो उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके ही क्वेश्चन पूछे तो ऐसी यूनिवर्सिटी है और वो कौन सी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो यदि आप डिप्लोमा करने के बाद से बी करने की सोच रहे हैं तो जो है आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है आप एडमिशन ले सकते हो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है बी नहीं होता है बी होता है वो जो है इंटर के बाद से होता है जो स्टूडेंट इंटर पास कर चुके हैं इंटर पास करने के बाद से बी में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन जो स्टूडेंट जो है डिप्लोमा पास कर चुके हैं वो जो है बीई में एडमिशन ले सकते हैं देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटर पास करते हैं इंटर पास करने के बाद से डिप्लोमा भी करते हैं डिप्लोमा करने के बाद से वो जो है बी कर सकते हैं अगर चाहें तो वो बी कर सकते हैं लेकिन उनको जो है बी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और इसमें जो है क्या पूछी जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी वो जो है आई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा सा जो है कम रहेगा ठीक से इसका लेवल जो है उससे थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर चुके हो तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो है आपका जो भी ब्रांच था डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग था इलेक्ट्रिकल था या मैकेनिकल था उसमें से पचहत्तर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पच्चीस क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के रहेंगे तो जो है आप डिसाइड कर सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ स्थित है ये उत्तर प्रदेश में ही है और ये अलीगढ़ में स्थित है ठीक है तो अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप इसमें डिप्लोमा करने के बाद से बीटेक करने की सोच रहे हैं तो बीटेक इसमें नहीं होता है डिप्लोमा के बाद से यहाँ पे बीई कराया जाता है और बीई के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं इसका सिलेबस क्या है फ़ीस कितना है ये सारी चीज़ें जो है मैं बता सकता हूँ बताऊँगा अभी इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ चीज और इसमें किस किस ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं जो स्टूडेंट वो एडमिशन ले सकते हैं ठीक तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये जो ये जो गाइड है ये क्या है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है गाइड है इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं और हर एक कोर्सेज के लिए डिफाइन है कि जो है एग्जाम का पेपर कैसा आएगा कैसा पैटर्न रहेगा क्या सिलेबस रहेगा सारी कुछ चीज़ें जो है डिफाइन हुई है और कौन कौन से स्टूडेंट जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं ये सारी कुछ चीज़ें हैं तो ये जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा या अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे जो है इसको डाउनलोड करना है तो जो है आप क्या करेंगे इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे देखिए एम है एम है एम है तो सारे कोर्सेज के बारे में जो है अलग अलग दे रखा है तो हमको जो है बी के बारे में बात करना है बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिप्लोमा कर लिए हैं या डिप्लोमा पास हो चुके होंगे तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बी ई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए बी कॉम एम बी ए बी टेक है तो बी टेक जो है अलग अलग ब्रांच में है लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें जो है क्या पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अब देखिए यहाँ पे आ गया है क्या बी ई बी ई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी ई तो ये जो है डिप्लोमा के स्टूडेंट कर सकते हैं इसमें कोर्सेज़ कौन कौन से हैं तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें जो है तीन ब्रांचेस हैं और तीन ब्रांचेस में कितनी सीटें हैं पचास पचास सीटें हैं ठीक है और ये कितने सेमेस्टर का है तो ये जो है आठ सेमेस्टर का है यानी कि चार साल का ठीक है फोर ईयर्स और यदि आप जो है डिप्लोमा uh, पास करने के बाद ए के टी यू में एडमिशन लेते हैं तो ए के टी यू में जो है आपको कितना साल लगता है तीन साल लगता है थ्री इयर्स लगता है ठीक है लेकिन इसमें कितना लगेगा चार साल जैसे इंटर करके और जो स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो उनका जो है चार साल का होता है ठीक वैसे ही यहाँ पे डिप्लोमा करके भी आएंगे तो भी जो है चार साल का होगा सेम वही स्ट्रक्चर होता है इंटर करने के बाद से जैसे लड़के आते हैं तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है सेम वैसे ही रहने वाली है लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी चीज़ क्या है कि इसका जो फीस फीस है वो फीस जो है बहुत ही कम है ठीक है फीस इसका जो है कितना है फोर्टी फाइव है एक साल का बहुत ही कम है और इसके अलावा जो इसका सिलेबस है इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस वही है जो आपने डिप्लोमा में तीन साल पढ़ा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तो बी ई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए क्या क्वालिफाई किए होने चाहिए तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ब्रांच जो भी यहाँ पे रिलेवेंट ब्रांच का मतलब यहाँ पे जो ब्रांच दे रखा है अगर इन ब्रांचों में स्टूडेंट जो है डिप्लोमा कर चुके हैं तो वो जो है बी में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे दे रहा है सी बी लोन यानी कि नीचे देखें ये सारे ब्रांचेस हैं मैं अभी आपको बताऊँगा फिर एग्जामिनेशन रिकोगनाइज बाई द यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्वेलिवेंट विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो अब जो भी डिप्लोमा पास कर चुके हैं और जो भी ब्रांच है आपका उसमें से आप जो है कम से कम जो है आपका पचास प्रतिशत जो है नंबर आना चाहिए ठीक है पचास परसेंटज अगर आपका मार्क्स है तो जो है आप इसमें आ सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पे रिलेवेंट ब्रांचेस दिए हुए हैं तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप बी ई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से करेंगे तो इसमें जो है क्या होना चाहिए आपको आपका डिप्लोमा जो है सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या तो होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में होना चाहिए फिर या तो होना चाहिए ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग सिविल से फिर सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होना चाहिए या तो इंटीरियर डिज़ाइन अगर इन ब्रांचों से आपने डिप्लोमा किया है तो आप जो है बीई सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो आपका डिप्लोमा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन मैकेनिकल से होना चाहिए इसके अलावा मैकेनिकल प्रोडक्शन भी अगर ब्रांच का है तो अभी आ सकते हैं इसमें फिर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग अगर आपका ब्रांच है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे पेस्टिक टेक्नोलॉजी तो ये एक ब्रांच है मैकेनिकल का मैकेनिकल से संबंधित है तो इसमें जो है आप आ सकते हैं फिर यहाँ पे लेदर एंड फूटवेयर टेक्नोलॉजी आपका ब्रांच है तो आप आ सकते हैं फिर यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो ये जो है अगर इन ब्रांचों से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीई के लिए एडमिशन ले सकते हैं इसमें फिर अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आप हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपका ब्रांच है डिप्लोमा वाला तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टीवी टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है टीवी टेक्नोलॉजी और इसके बाद से यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो इन ब्रांचेस के स्टूडेंट जो डिप्लोमा किए हैं इन ब्रांचों में वो जो है क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं बीई के लिए ठीक है तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि जो है किस किस ब्रांच में जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए रहेंगे तो वो जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा थ्रू द एडमिशन टेस्ट तो जो है आपका यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा जाएगा और उसके जरिए जो है आप यहाँ पे अपियर होंगे अब टेस्ट का पेपर कैसा होगा तो देखिए इसमें जो है सौ नंबर रहेंगे हंड्रेड मार्क्स रहेंगे हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे तो सौ नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ठीक है सौ क्वेश्चन रहेंगे फिर यहां पे पच्चीस क्वेश्चन जो रहेंगे पच्चीस क्वेश्चन जो रहेंगे वो फिजिकल साइंस से रहेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है क्या फिजिकल साइंस और इसमें क्या पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूं तो इसमें जो है पूछा जाता है फिजिक्स और इसमें पूछा जाता है केमिस्ट्री और इसमें पूछा जाता है मैथ तो ये पच्चीस क्वेश्चन जो फिज़िकल साइंस लिखा हुआ है उसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है ज़्यादा जो वेटेज होता है इसमें इसमें जो है मैथ का वेटेज होता है ज़्यादा फिजिक्स का भी पाँच सात क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री के एक आध दो तीन चार क्वेश्चन जो है डाल दिए जाते हैं ऐसे ही तो इसमें जो है डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो है पच्चीस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछे जाएंगे इसका भी हल है मैं आपको बताता हूँ फिर यहाँ पे क्या है कि पचहत्तर क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपको रिलेवेंट इंजीनियरिंग साइंस से तो आपका जो भी डिप्लोमा का ब्रांच था उससे जो है आपको पूछे जाएंगे ठीक है तो देखिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो उनका जो है पचहत्तर जो क्वेश्चन रहेगा वो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित रहेगा जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्टों में रहेगा उनसे रहेगा फिर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के जो भी सब्जेक्ट थे उसमें से पचहत्तर क्वेश्चन रहेंगे और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट थे तो इलेक्ट्रिकल के जो भी सब्जेक्ट थे उसमें जो है पूछे जाएंगे ठीक है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने जो तीन साल जो भी कोर्सेज में डिप्लोमा किया है उसी से जो है क्वेश्चन आएंगे पचहत्तर तो ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है अब जो है एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इसमें जो सेवेंटी फाइव क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे पच्चीस क्वेश्चन दे रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तो इनको जो है सॉल्व करना बहुत ही आसान है बस आपके पास क्या होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का अगर आपको पेपर मिल जाता है बी का एम यू इंटर्नस एग्जाम के जो बी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और इसका जो है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाता है तो जो फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम जो है जैसे पिछले सालों में आए हुए हैं एकदम उसी बेसिस पे होते हैं जिस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप उसी टाइप का क्वेश्चन अगर हल कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं या उसका फार्मूला भी देख लेते हैं तो आप जो है इन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे और जो पचहत्तर परसेंट टेक्निकल वाले हैं ये भी जो है सेम वैसे ही हैं इसमें जैसे रेलवे सिविल की बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग से पूछता है फिर आर से पूछेगा आपको फिर यहाँ पर सोम से पूछता है ठीक है और इसके अलावा जो है बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन रहते हैं फ्लूड मैकेनिक से क्वेश्चन रहता है तो ये जो है आपको जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको जो है क्या हो जाएगा आइडिया हो जाएगा और आइडिया होने के बाद से जो है आप कर सकते हैं ठीक है तो ये जो है कुछ नहीं डिट्टो जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो सेम जो है उसी आधार पे होता है और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं आप तो इसमें जो है पचास नंबर पचास नंबर के क्वेश्चन जो है आप उस प्रीवियस ईयर से जो है मैच कर सकते हैं एकदम आपको जो है पचास नंबर के क्वेश्चन जो है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फंस जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम डिट्टो वही सवाल आ जाएंगे लेकिन उसी से रिलेटेड रहेंगे आप जो है अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो वो जो है आप ज़रूर पढ़े रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पचास नंबर के क्वेश्चन जो है आप आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं फंस सकता है आपका ठीक है और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपका ब्रांच आपका ब्रांच क्या है ओ है अगर आप ओ कैटेगरी के, के हैं तो अगर आपका पचास नंबर से पचपन नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आ जाता है इंट्रेंस एग्ज़ाम में पचास से पचपन के बीच में अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता ये गारंटी है आपकी एडमिशन जो है हो जाएगी तो आप जो है एकदम निश्चिंत रहिए केवल आपको क्या लाना है पचास से पचपन के बीच में नंबर लाना है अगर आप ओ कैटेगरी के, के हैं तो ठीक है अब जनरल के हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए पाँच सात नंबर और एस सी कैटेगरी है आपका तो थोड़ा सा और घटा दीजिए ठीक है ना तो ये चीज़ें हैं फिर इसका जो है बात करते हैं टेस्ट का सेंटर कहाँ रहता है तो इसका एडमिशन का सेंटर जो है अलीगढ़ में ही रहता है अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसका जो कैंपस है उसके कैंपस में ही एडमिशन होता है तो आपको जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा अब एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये जो है आप देख लेंगे इसकी जो फीस होती है वो फीस क्या है बहुत ही कम है चालीस पैंतालीस हज़ार है यहाँ पे दे रखा है डेवलपमेंट चार्ज जो है पच्चीस हज़ार लगेगा तो ये जो है इंक्लूड होगा उसी में आपको जो है एक साल का फ़ीस जो है पैंतालीस हज़ार या चालीस हज़ार जो है आपको देना पड़ेगा बस ठीक है तो आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ बता देता हूँ यहाँ पर गूगल क्रोम खोल लीजिए या कोई भी ब्राउजर है वो खोल लीजिए आप यहाँ पे जाइए सीधा ए एम यू टाइप करिए एम यू टाइप करने के बाद से सर्च करेंगे जो भी चीज़ें आएंगी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये क्या है मेन वेबसाइट है तो इसको छोड़ के यहाँ पे दूसरी एक वेबसाइट है ए एम यू एग्जाम कंट्रोलर तो इसको ओपन करिए और इसको ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा फीचर वाले सेक्शन में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो अपल्लीकेशन फॉर्म आएगा यहीं पर दिखाएगा फिर यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में आप आएँगे तो यहाँ पर एडमिशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी काउंसिलिंग के लिए फिर अप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिर से यहाँ पे आपका जो सीट अलाटेड होगा वो यहाँ पे दिखाने लगेगा तो जो अभी मैं दिखा रहा था गाइड वो क्या है यही वाला गाइड है गाइड टू एडमिशन टेस्ट एडमिशन 2021 हज़ार तो इसको आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें जो है आप चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन से संबंधित यहाँ पर अलग अलग जो है नोटिस आती रहेगी आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल क्या है तो इसमें बहुत सारी कोर्सेज हैं तो अलग अलग कोर्से का जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट पेपर और ये सारी चीज़ें जो है अलग दिन हुई हैं तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आता रहता है तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू